أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अलहमदिल्ला व नबी नस्तायन व वसल अ सदबिया इबलिन वालही वबी अजमाइन व मंतबी يوم الدين अम्मा بعد. हमारा जो मौजूद था आज का सईद माना और मफहम और ख़ानदानी तारुफ में उसकी शरी है उसके इस्तेमाल में नमाज़ से पहले वाली जो नशिश थी असर के बाद उसमें अ का लवी माना और उसके इतलाकात वो आपके सामने बयान किए जा चुके हैं अलहद फ़िलहाल के अब नशस्त में आ, असल जो मौजू है हमारा उस पर गुफ्तगु होगी इन कि हम देखते हैं कि बर में बर में और वहाँ पर भी इराक़ मुल्क शाम वगैरह जहाँ अहले बिदायत ज़्यादा हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा राइज है वरना अगर आप दौर हाजिर में सऊदी अरब को अगर ले लें वहाँ भी क्राशी लोग बहुत हैं हाशमी भी बहुत हैं लेकिन अपने नाम के आगे ना कभी सईद लिखते हैं ना कभी उस पर उन्हीं गुरूर और तकबर और जो है माशरे में एक फोकत हासिल करते हुए कभी देखा गया है जबकि हाशमी लोग बहुत हम हम ी तौर तो पर भी जानते हैं के सऊदी अरब की अगर बात करते हैं लेकिन वही हम देखते हैं कि जो है यानी मुल्क शाम या इराक वगैरह के इलाकों में और बर सगीर में आ, हिंदुस्तान में और हमारे पड़ोसी मुल्क वगैरह में समाजी तौर तो पर ख़ानदानी तौर तो पर जो लोग सईद लिखते हैं उनमें भी एक तरह की एक ज़हनी तौर तो पर एक फ़ोकियत समझते हैं कि जो है हमें आम लोगों में फ़ोकियत है और फिर ख़ासकर वो तबका जो आ, मज़ार परस्ती में मुलविस है और इन सिलसिलों में मुलविस है उनमें में ये बात बहुत ही अहम है कि हम सईद हैं हम रसोल्ला के घरानी के हैं बस हमको जानना चाहिए कि इसकी हकीक़त क्या है उस तल्लु से कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा इन शाला और हमने भी जितनी बातें हमारे जहन में हैं अल्लाह के तोफ़ी से आपके सामने रखेंगे दर्स के बाद कुछ सवाल कीजिए हो सकता है हमारे दर्स में होती हुई बातें छूट गई हों तो उन सवाल के ज़रिए से उसकी भरपाई हो जाएगी बेजन लाई ती तो हमने जो नुसूस आपके सामने पढ़ कर के सुनाए हैं नमाज़ से कबल जिसमें ये बात है कि अ का माना मफहम वाज है वो वसाफ से उसका ताल्लुक़ है जो वसफ़ इस तरह के अवसाफ आमदगी जिस शख्स के अंदर होगी वो सईद कहलाएगा ख़तः नज़र इसकी कि वो कौन है अब देखो अल्लाह सुबहान लिए भी एज सईद है नबी के लिए भी सईद कहा गया है लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नुसूस मिलते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल ने सल्ह अपने घर के अफरा पर अपने अहल ख़ाना के कुछ अपने अहल खाना में से कुछ लोगों से मुतल सईद का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है अब देखो जैसे एक हदीस आती है अल सही है इनकी की अल अल्स सही है इनकी जाबिर रज़ी वज़ी आनुम उस हदीस के रावी हैं किताब मारफ़त साहबा उसमें वो हदीस है हदीस सनतन सही है इमाम हाकिम हाकििमर ने कहा कि सही उस्नात यह हदीस सही है लेकिन जो है इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने अपनी अपनी सही हैन में इसको नहीं लाए हैं वलम यूखर्रीजा और शेख अलबानी रहा ने भी सरतुलहदीसी सही हमी इस हदीस को सही कहा है हदीस सही है उस हदीस में अल्फा क्या हैं आप आलिस्त वाम ने फरमाया सदुलशहदा हमज़त बिन आब्दुलमतलब हमज़ा बिन आब्दुलमतलब अल्लाह के रसूल के चचा हैं सलीम और वो हाशमी हैं अल्लाह के रसुल ने उनके लिए सईद का लज इस्तेमाल फ़रया कि सईदा इस हदीस की पूरे सिया सबा उसकी मानवी खुबत आप समझ सकते हैं कि इसका तल्लु समाजी जिंदगी से नहीं है इसका ताल्लुक आपके हाशमी होने से नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक आपके अंदर जो व़फ़ था एक बहज़त एक मुजाहिद होने का उस वजह से आपको सईद कहा गया और बल्कि आप सईदा हैं आप एक हदीस मुबारक है जो इमाम तिरमिज़ी और इमाम बिनुमा रिमोल्ल् अजमाइन अपने अपने हदीस की किताबों में लेकर आए सुनन में हदीस संदन सही है शेख शेख़लबानल्ला ने सही कहा है हसन दर्जे की हदीस है वो काबिल एहतजाज है उस माने में सही आप अली सदसम के एक सहाबी अबू सैद अलखुदरी अब्दुलबिन अमर और दीगर सहाबा भी सदस्य के रुआत में से हैं रजी अल्लाजमाइन वो कहते हैं कि आप अली तो सदसम ने फरमाया अल हसन हुसैन सईदा शबाब अहिल जन्ना सईदा शबाब अहिल जन्ना व अबू हुमा खैरुमिन हुमा ये जो हदीस है अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब देखिए इस हदीस का माना मफहम क्या है इस पर जो है मुकम्मल एक जो है दर्ज हो चुका है इंशाल्लाह बहुत जल्द एडिट करके जो होकर के वो आ जाएगा यूट्यूब पर इंशाल्लाह दारुल हुदा उड़पी में भी मैंने दर्ज दिया था इस तल्क से सद शबाब अहिल जन्ना इसका माना मफहम वगैरह से मुतल वो दर्ज आ जाएगा लेकिन हमारे आज के मौजूद से मुतलिक बात यह है कि हसन और हुसैन को और अल्लाह अल्लाहमुमा आप अली आलोलम ने सैयद कहा कि सैद शबाब अहल जन्ना अब इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ताल्लुक वस्फ से है ईमानी ईमान से मुतल है यानी ईमान से मुतल उनके अंदर की जो फ़जाइल हैं वो वो उनके अंदर इस कदर मौजूद हैं जो दीगर लोगों पर फ़ोकत अल्लाह सुबह ने अता की उनको अल्लाह के रसूल ने कहा ना ये सल्हम तो नसित है वो अल्लाह की तरफ़ से है फज़ल उनके लिए तो उनके लिए सही की जो बात आई है वो ईमानी व़फ़ की वजह से ना कि ख़ानदानी वजह से बिल्कुल वाजह है एक हदीसी मुबारक है सही बुखारी की हदीस है किताबुल में सहाबी रसूल अबू बकर अब्न हारिस रज़ी अल्हन बसरा में इंतकाल हुआ था उनका इक्यावन हिजरी को वो कहते हैं कि मैंने रसूलम को देखा कि रई तो रसूल अल्लाम आप मंबर पर थे और वसन इब्न अली इलाजम भी और आपके बाज़ू में हसन इब्न अली भी थे हसन हसैन हसन अहादिस में सईद का जो लफ्ज़ आया हसन के लिए दो मरतबा और हुसैन के लिए एक मरतबा लेकिन हम देखते हैं शिया यानी हसन के हुसैन के औलाद के लिए सादात कहते हैं और हसन के औलाद के लिए अशराफ़ कहते हैं फ़र्क करने की कोशिश करते हैं जबकि सईद का लफ्ज़ अल्लाह के रसुल मरतबा इनके लिए कहा है हसन के लिए एक मरतबा हुसैन के लिए कहा है हसन का मकाम हुसैन से ज़्यादा है यकीन शरत नज़र से रजी ला आप अली ने जो 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 हसन उनके बाज़ू में थे छोटे थे छोटी उम्र के थे सगारे साहबा में से वो अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ तो सल वसम आठ नौ साल की उम्र के थे दस साल के अंदर थे आप आप अली अलीज़त ने फरमाया, इन नब हादा सैद्न हदीस के एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिए ये जो लफ्ज़ ये जो कलीमा है अल्लाह के रसूल का ये जो हदीस है बहुत जामे है इस हदीस से मुहदसी ने इतने मसाइल इसने बात की माशा अगर आप में से कोई भी साथी जो है इसको यजा कर दें इस पर जो है एक प, आ, बीस तीस सफ़े का मकाला लिख दें मैं समझता हूँ बहुत बड़ी खिदमत हो जाएगी यानी कितने कितने जामे कलीमात हैं देखिए यानी कई कई मसाइल इससे निकलते हैं कई मसाइल का हल इसके अंदर मौजूद है अल्लाह के रसूल ने कहा इन सल्हमा सैदुन वल्ला हाबीही बे नफी आतईनी अवी मतईनी मिनलमुसलम यानी जो कई बातिल फ़िरक़े हैं ना जो सहाबा की तकवीर वगैरह भी करते हैं जो अली बिन अली बिन नबी तालिब और मुआविया मावेबिनबी सूफियान में फिर बाद में भी जो कुछ अखिलाफात थे जो दो जुमरे हो गए थे दोनों को मुसलिम का हर लाख रसूल लें बे नफ़ी आतैनी अवीम अतैनी मिनलमुस्लिम यानी दोनों को मुसलमान ही कहा अल्लाह के ने रसूलें सल्ह एक सियासी अखिलाफ की वजह से बहरहाल ये बहुत जाम हदीस है आप अलीसलम ने फरमाया हाद सईद कि आप ने इनको जो सईद की जो बात कही क्यों आगे के उस व़फ़ की वजह से कि वोलायूस हबी ही बे नफ़ी आतिन आवीमत बिलमुसमिन आप जो दो एक बड़ी जमातों में असलाह का जब जरिया बने जो आमजमा करार दिया उसको बहुत खुशाइन बात थी मुसलमानों के लिए अहिल इस्लाम के लिए उस वफ़ की वजह से वो सईद हैं वो ये एक आम आदमी दोनों में नहीं मिला सकता दोनों में मुतफा शख्सियत हो उस कदर अजीम शख्स हो एक शख्स बिल्कुल मामूली कस्म का इंसान है मामूली मरतबे का आदमी है मैं ज़ात पात की बात नहीं कर रहा हूँ उसके इस इल्म उसके उसके औसाफ वगैरह की बात कर रहा हूँ वो कहता है कि नहीं मैं तनाजुरी इख्तियार कर लेता हूँ तो वह तनाजुरी इख्तियार कर सकता हूँ दूसरा क्या कर सकता है वो लेकिन एक बहुत ही बावस आदमी हैं कई उसके अंदर काबिलियतें हैं सलाहियतें हैं उसके अंदर पकड़ भी है और वो खुद फाइफ हो सकता है वो कहता है कि नहीं जो है उम्मति मुस्लिम के बहबूदी के लिए इसके लिए मैं तनाजुरी इख्तियार करता हूँ तो बहुत बड़ी बात है इस वजह से अल्लाह का ने आपको सही का इसका भी ताल्लुक ख़ानदान से नहीं है हमने कभी नहीं देखा और आपने पूरे जख़ीरे अहादि में उठा के देख लीजिए कि जे बनो हाशिम में से जितने भी मुसलमान हैं अपने नाम के साथ शहीद लिखते हों या किसी ने उन्हें शहीद पुकारा हो ऐसी बात है ही नहीं इसका ताल्लुक है ही नहीं इसीलिए लिए ये एक मुतफ़ा बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लिए सहीद होगा ये एक मुतफ़ा बात है कि साबित नहीं है शर्य मसला है ही नहीं ये कोई कहता है कि दलील ला के दे दलील है ही नहीं इस ताल्लुक से इन नसूस की बुनियाद पर तो साबित ही नहीं कर सकता क्योंकि हम आगे कुछ और बातें पेश करें जिसे आप खुद समझ सकते हैं कि इन नुसूस की बुनियाद पर तो कोई साबित नहीं कर सकता अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल आलिम के घराने का है वो अपने ताल्लु से बाकायदा नसरब भी रखता है तो फिर उसका ईमान उसके साथ है हम ना तस्दीक करेंगे ना तकजीब करेंगे ये आम बात यह बड़ी बात हो जाती है कि रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता जोड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कि हम देखते हैं कि आप अलीसलम ने सहाबा में से भी बा सहाबा को सईद कहा है तो क्या वो आपके घराने के हैं क्या हर किस भी नहीं मिसाल के तौर तो पर आप देखो उमर, वो वुरशी जरूर हैं लेकिन बनो हाशिम में से हैं क्या बिल्कुल भी नहीं अल्लाह के रसूल आल्लम का जो नसब नामा है अगर आप देखेंगे नसब नामे को आपके उस ताल्लुक़ से जो शाखें फूटती रहती हैं सबसे दूर का अगर देखेंगे तो बनो ताइम है साहबा के अगर हम बात करते हैं खलाफा राशिद्न बिलखसूस बिलखसूस खलाफा राशिद्न में से अबूबकर सदी बनो ताइम से हैं रजी अल्लाहन उमर बनखा और रजी अल्लाह बनवादी से हैं आप देखो एक हदीसी से है सोन इब्बन माजा और सोन तिलमिज़ी में वो और उसके उसके कई रूआा हैं उसमें से एक अबी तालिब भी हैं साहबा में से इस हदीस की रवात बल्कि अबी तालिब जो है मतलब उनकी जो रिवायत ज़्यादा सही है बिन अबी तालिब कहते हैं रजी अल्लन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था इस तला अबू बकर अबू बकर वहाँ से आए अभी आके मजलिस में बैठे नहीं मजलिस में क्या बातें हो रही है उनको नहीं मालूम है अल्लाह के रसूल ने कहा वसलम ये कहा कि यह आली हाजानी कौन अबू बकर ये दोनों हादानी सदा कहूल अहल जन्ना जन्नत में यानी इस दुनिया में वो मुसलमान जो अधेड़ उम्र में इंतकाल हुए होंगे उनके सरदार अबू बकर होंगे मिनल अउ्वलीन अल आखिरीन अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर उसमें हसन हुसैन भी आ जाते हैं उसमें फातिमा भी आ जाती हैं सब आ जाते हैं उसके अंदर रजी राजीन इन सब के सरदार अबूबकर होंगे ये भी अदीस का लफ्ज़ है सिवाय अम्बिया के और रसूलों के जितने भी मुसलमान होंगे कुल कायनात में जो अधेड़ उम्र में इस दुनिया में इंतकाल हुए हैं सबके साथर होंगे रजी अल्लाइन उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा सल्हम के यह आली युख यु बिर हम यह सोन तिरमिजी के अल्फाज हैं ख़बर मत दो उन दोनों को सुरो इबनवाजा में ये जायद है कि मादा महियन जब तक वो जिंदा है उन्हें खबर मत दो इसकी मुख्त बातें की गई हैं कि हो सकता है वजुम ना आ जाए या कोई भी बात हो अल्लाह की तरफ से इतनी बात है कि आपके इल में बात हो लोगों के मुसलमानों के इल में बात आ जाए उनके इल में बात ना हो एक सरप्रेज वाली बात हो सकती है कल ख़्यामत के दिन उनके लिए यहाँ देखिए अब बकर के लिए सईद कहा है अल्लाह के रसूल ने सल्ह वह की मुतफ़ा तौर पर वो आपके खान वादे नहीं है खुराशी हैं लेकिन बनो हाशि में से नहीं है अब देखो एक और बात में बतलाता हूँ आपको एक हदीस मुबारक है सही बुखारी में भी मौजूद है सही मुस्लिम में भी मौजूद है अबू सैदल इसके रावी रजी रज सही बुखारी में यह हदीस किताबुल उ में है और सही मुस्लिम में यह हदीस जो है किताबुल जिहाद में मौजूद है वो जो मरूफ वाक़ है जो ख़ंदक की जो जंग थी ख़ंदक की जंग खत्म हो जाने के बाद जब अल्लाह के रसूल घर आए और आकर के जंगी लिबास निकालना चाहा तो जिब्राइल आए और उसी को बॉब जिब्राइल है ना मस्जिद नबूे में उसी मुनासबत से है वहाँ से वो आए थे और आकर के अल्लाह के रसूल से कहा था कि ये जंगली लिबास मत उतारिए अब भी बनो कुरैज़ कुरैजा का का, का का जो काम बाकी है अल्लाह के रसूल ने सब सहाबा को वहाँ पर दिया था आने के लिए हम जानते हैं तारीख का एक बड़ा वाक़ा है सीरत का एक बड़ा वाक़ा है ऐसे कई मसाइल जो है जुड़े हुए हैं उसमें साबिन मवाज रजील् को आखिर में बतौर हकम की उन्हीं लोगों ने तस्लीम किया था बनो क्रैइज़ा के आपको लाया गया था और साबिन नोज रजील् का हाथ जो है ज़ख़्मी था आपको जब लेकर आया गया तो आप अली सलाम पहले ही से बनो कुरइजा में मौजूद थे कई सहाबा मौजूद थे जब आपको लाया गया तो, तो पहले से आप तयशुदा मामला नहीं था कि आपको लाया गया जब उन्होंने उनको हकम माना तो लाया गया उनको आप सलाम ने फ़ौर उनको देख करके कहा कि खूब मोला सई खूम अला सईदी को सईद स्यीद, आप क्यों उनके अंदर वो अवसाफ मौजूद हैं इसका ताल्लुक वफ़ से है समाज से खानदानी ताल्लुक नहीं है इसका खा किसी खानदान से ताल्लुक़ नहीं है बिलखसूस रसूल्लाह के घराने पर सईद का लफ्ज़ मुंतबिक होता है अबदन ना कुरान से था था था, ना अहादि से था था, ना साहबा के फ़ैम से है ना मुहदसी ने कभी अब्बाब क़ायम किए ना सीरत नगारों ने कभी इस तालु से लिखा है मैं इतने यकीन से आपको बतला रहा हूँ मैं आपको ये बात बल्कि इतनी ही नहीं एक हदीस आती है सही एक असर एक एक आता है उमर बिन खत्ताब का सही बुखारी में किताब मनिबिलंसार में आप देख सकते हैं जाबिर इब्न आब्दुल्ला रजी अल्लाहुमा कहते हैं कि उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह कहा करते थे अबू बकर सदना आता का यानी बिला कि अबू बकर हमारे सईद हैं और हमारे एक और सईद बिलाल को उन्होंने आज़ाद किया है अबू बकर भी सईद हैं बिलाल भी सईद हैं अगर कोई रसूलुल्लाह के घराने का है मान लें अलैहि वसल्लम वो मुसलमान नहीं हैं मुमकिन है वो काफिर बन चुका हो मर्तद हो चुका हो या जो है बस एक मुस्लिम घराने में पैदा हो गया है लेकिन वो नमाज़ नहीं पढ़ता है कोई इबादतें अंजाम नहीं देता है इस्लाम से इसका कोई इलाका नहीं है कहाँ वो कहाँ बिलाल अल्लाह बहुत वजह हो आपको तो हमारे माशरे में हम देखते हैं कई नहीं, मतलब खबर परस्तों को वगैरह वगैरह इन्हीं में जुनून है सईद का इन्हीं में जुनून है हाशमियत का इसी बुनियाद पर कुर्सियां हासिल करती हैं इसी बुनियाद पर इनको एजाजा मिलते हैं कि हम सईद हैं पहले किसने कहा कि रसूलुल्लाह के घराने के पर सही का, का, का जो इस्तेमाल होता है ये किसने कहा साबित करना पड़ेगा आप अपने आप में सईद बोले कोई बात नहीं सब मुसलमान सहीद हैं लेकिन रसुल्ला के घराने को जोड़ना कि जो उनके घराने का होगा वो सहीद होगा पहले तो नसबनामा पेश करे वो पेश कर भी ले तब भी सहीद उसी के लिए होगा ये किसने कहा एक शराई मसला है फिर आम तौर तो पर जो खानदानी तौर तो पर जो शहीद खानदान जो जो चल रहे हैं हमें ऐतराज़ नहीं है वो अपने लिए सहीद रख सकते हैं अपने बाज़ हल्के में तारुफ के लिए हम सहीद हैं लापास कोई बात नहीं सब मुसलमान सईद हैं वो कुछ खसूसी तौर तो पर अपने आप के लिए शहीद कहते हैं कोई हर्ज नहीं है इसमें लेकिन उससे रसूल्ला से जोड़ो ना कि हम रसूल्ला के घराने के हैं ये बात ख़तान साबित नहीं कि रसूलुल्लाह के घराने पर सईद बोला जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नसूस की बुनियाद पर वरना ये नसूस के लिए क्या बोलेंगे आप तो सईद का ताल्लुक़ एक वस्फ से है ईमान की बुनियाद पर इस्लाम की बुनियाद पर बल्कि हमें ऐसे नसूस मिलते हैं जिसमें आप आलम ने एक काफिर के लिए एक मुनाफिक के लिए सईद कहने से मना किया अल्लाह के रसूल ने जायज़ नहीं जायज़ नहीं है एक गैर मुस्लिम के लिए सईद कहें आप मिस्टर वगैरह जो लिखा जाता है या मार वगैरह के साथ फॉर्म में किसी के नाम के साथ अरबी में सईद स्यीद लिखें सईदी लिखी जायज़ नहीं किसी गैर मुस्लिम के लिए अब हरगी में जायज़ नहीं किसी गैर मुस्लिम के लिए किसी काफ़िर के लिए किसी मुनाफिक के लिए सनबाऊत की किताब किताबुल अदब सनातन हदीस सही है शेख अलमानी रहा ने सही कहा है उस हदीस को आप आल सलाम ने फरमाया एक सहाबी हैं बुरा बुरैदी रज़ी अल्लाह मर मर में इंतकाल हुआ उनका पूरा ख़ानदान वहीं पला बड़ा उनका बासठ में इंतकाल हुआ था उनका खुरासान में जा कर के रह गए थे वो कहते हैं कि आप अली सलाम ने फरमाया ला ल तिलमुनाफिक अल्फाज देखो आप ला लतोनाफिकी सनाफिक व सैद नहीं कहना चाहिए फिन न को सईदन फ़कद असखत तुम रब्बु मजाजल यह हदीस के अल्फाज हैं अगर तुम मुनाफिक सईद के होगे तो तुम, तुम, तुम अल्लाह को गजबनाक कर दोगे रहमा रहम्ला कहते हैं कि अल्लाह ने तो ये फ़रमाया कि या युन नबी जाफ़ार वलमुनाफ़ी और तुम उसको सईद कहते हो कहाँ के जायज़ नहीं है अगर तुम रबालमीन के यहाँ गजब ना वो वो महजूब वाले शख्स है वो तुम उसको सईद कहते हो किस मानी में तो तुम अल्लाह कोल्ला के लिए गज़बनाक दिलाने के बराबर होगी ये चीज़ और भी इसकी तफसील हैं वो हमारा मौजू नहीं है कहने का मतलब ये है कि मुसलमान सब के सब सईद हैं वो हसन हुसैन हो, वो अबू बकर हो, वो आज के दौर में एक शख्स इस्लाम कबूल किया हो वो भी सईद है बहजत मुसलमान होने के आज इस्लाम कबूल किया है वो बाद में उसकी शादी की बाद में उसके बच्चे हुए उसने अपने बच्चों के लिए सईद करके लाबास कोई हर्ज नहीं सब मुसलमान सईद हैं इसीलिए दसवीं सदी हिजरी के एक आलम दिन आल बका रहा जो आ, क्या किताब है उनकी आ, अद्दुरर फ़ीतनासविल आयाति वसूअर नहीं नहीं नै नाम गलत नजमुद्दुरर उनकी जो किताब है मेरे पास अलम करब तो शामिल मौजूद है मंगवाया हूँ इन शह तसानी फरमाए उस किताब में उन्होंने लिखा है कि सुरयूसफ़ की तफसीर में क्या रबालमी ने फरमाया वबल्बाब वदत कमी सहू मंदुबर व अलफया सयद लद यानी यूसुफ़ अलीसतम और इमरातुल अजीज दोनों दरवाज़े की तरफ भागे लेकिन अल्लाह ने क्या फ़रमाया व अलफया तस्निया का सेगा दोनों से मुत्ल दोनों यानी वजदा के माने में व अलफया सईद हमा ने कहा अल्लाह ताली ने सईद हा सिर्फ़ एक की तरफ इजाफत के अल्लाह ने उस तल्लु से आपने फ़रमाया वो इसलिए कि एक तो यूसुफ अलीसलम मुसलमान और अजीज़ मिस्र काफिर वो एक मुसलमान के लिए कैसे सहीद हो सकता है उसकी बीवी के लिए रहेगा वो भी गैर मुस्लिम थी कहा कि वह अलफया सईद आ सईद ने कहा रबुल आलमिन ने ऐसे उन्होंने लिखा एक और नुकता मुझे हवाला याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पढ़ा था लेकिन वो हमारा नहीं है और मुझे ना किताब का नाम याद आ रहा है ना कि मुझे वो आलिम का नाम याद आ रहा है जिससे मैंने वो पढ़ा था वो बहुत पहले की बात है वो उसमें उन्होंने लिखा कि वह अलफया हा में उन्होंने जो बात लिखी वे लिखी कि वो सईद जो था ना वो एक एक ममलूक नहीं थे यूसुफ यूसुफलम जायज़ तरीके से आपको ज़बरदस्ती ममलोक बनाया गया आप एक आज़ाद घराने के फर्जन थे आप याकूब की फर्जन अलीजतम आपको ज़बरदस्ती खींचना के बेचा गया आपको आपको ज़बरदस्ती ममलोक बनाया गया तो इस वजह से अल्लाह सुबहान व तौला ने तारीख़ के हवाले से साबित किया कुरान मजीद के उस उसलूब के ज़रिए से कि आप जायज़ तरीके से ममलोक नहीं थे आप बल्कि जबरन आपको ममलुक बनाया गया है इसलिए वो आप उनके सईद नहीं हो सकते ये एक बहरहाल उन्होंने बात कही है इसकी वसात में और भी बातें आ सकती हैं लेकिन हमारे मौजू से मुतिक बात ये थी कि एक काफिर एक मुनाफे कैसे सईद हो सकता है वो तो एक सही मुसलमान होगा इसीलिए अल्लाह सुबहान तौर ने सिर्फ इजाफत उसकी जानब की यूसुप की तरफ नहीं की सैदा हमा ने कहा रबालमी ने बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ अल्लाह सुबहान तौर ने यह सियादत एक अहल इस्लाम की ली थी अल्लाह सुबहान तौर ने उसमें सब सब ये हैं मरातिब के साथ अबू बकर कौन हम में से नहीं सहाबा में से कौन है बोलिए हमारा छोड़िए तो फिर अबू बकर भी सैयद हैं बिलाल भी सैयद हैं उमर भी सैयद है अबू सैद खुदरी जो रावित है वो भी सैयद हैं और जो है जिनके बारे में कहा गया सदिन नवाज़ वो भी सैयद हैं हसन हुसैन भी सैयद हैं हमजा भी सैयद हैं और उन सबके सरदार अल्लाह के, अल्ला के रसूल भी सैयद हैं बल्कि आप सईद हैं अना क़ियामा यौमियामा काल्ला के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहसत मुसलमान सैयद बनो हाशिम में से कोई गैर मुस्लिम है वो सईद हो ही नहीं सकता तो सईद का ताल्लुक रसूलुल्लाह के खानवादे से नहीं है ये जहन साफ कर लीजिए हो ही नहीं सकता आज रसूलुल्लाह के घराने की कोई बात करता कि मैं अल्लाह के रसूल के घराने का हूँ अपना ना नसब नामा पेश करें यकीन के साथ है तो ठीक है होने के बावजूद भी वो सईद कहलाना कोई ज़रूरी नहीं है नहीं भी है तो सहीद है वो है तो भी सहीद है रसूलुल्लाह के घराने के लिए सईद नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन हम देखते हैं अलमिया देखो अल्लाह अकबर हमारे मुआरे में हिंदुस्तान में जहाँ हम रहते हैं बड़ी तादाद में ख़ानदान हैं सईद नाम के देखिए मैंने बारहा कहा है कि वो खानदानी तौर तो पर सईद कहलाएं कोई मसला नहीं है वो बहसत मुसलमान होने के सईद हैं माशरती ज़िंदगी में वो अपने लिए एक तारुफी तौर पर सईद रखते हैं लाबास कोई हर्ज नहीं है लेकिन उनके दिलो दमाग में उनके आबा व अजदाद अगर उनके दिलो दमाग में यह बात डालते हैं कि तुम सईद हो इसलिए कि तुम रसूलुल्लाह के घराने के हो तो देखिए बहुत 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 खतरनाक चीज़ है साबित करना ज़रूरी है अगर वो अल्लाह के रसूल के घराने के नहीं हैं तो फिर मसला बड़ा ख़तरनाक हो जाता है हैं तब भी सईद कहलाइए नहीं है तब भी सईद कहलाइए लेकिन सईद नाम जो तो तारुफी तौर पर रख कर रसोल्ला से जोड़ देते हैं ना ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ ऐसा होता है हमारे माशरे में हमने कई लोगों से पूछ लिया वो ये कहते कि सईद ओहित तो रसूल के घराने को बोलते हैं ना ठीक है साबित कर तो बोलते कि नहीं नहीं मालूम हमको हमारे वालिद को भी नहीं मालूम हमारे दादा को भी नहीं मालूम कुछ दिन और ऊपर जाएंगे तो गैर मुस्लिम रहेंगे उनके घराने के ऊपर ऐसा भी होता है तो साबित होना बहुत ज़रूरी है एक हदीस मुबारक है सोना नबी दाऊद की सोना नबी दाऊद में यह हदीस मौजूद है किताबुल अदब में अनस बिन मालिक रजी अल्लाह बसरा में रहा करते थे और वो मुख्तलिफ जगहों में जाया करते थे दावत तब्लीग के लिए जिहाद वगैरह के लिए और उस वक्त में मुल्क शाम सरहद था वो मुसलमानों का तो बैरोत जो है ना लुबान के आज की जो राजधानी है तो वहाँ थे अनस मालिक रजी चंदिन तो वहाँ कुछ मसाइल पेश आया था तो आपने आपके सामने ये भी मसला पेश आया था तो आपने उसी मुनासबा से यहाद वहाँ सुनाई थी लोगों को हदि सही है सनातनी शेख अलमान ने सही कहा है और यहहादि सिया में भी मौजूद है दूसरे अल्फाज के साथ ये साहबी कहते हैं अनसमालिक रजील के आप आलिस ने फरमाया कि मनी दा इला गि दा इला एक शख्स उसके बाप के बजाय किसी और शख्स की तरफ उसकी नस्बत देता है और शख्स की तरफ मतलब कि दादा की तरफ वो माना नहीं हो सकता है एक शख्स अपने बाप को छोड़कर दादा की तरफ मनसूब ऐसे बहुत होते हैं अनप आब्दुलतलब कहा के रसूल ने सल्ला वलम अब अल्जर अल्जर्रा उनके वालिद का नाम नहीं दादा का नाम है ऐसे मिसालें बहुत हैं है। मतलब ये है कि उसका जो खूनी रिश्ता है जिस जिस बाप से वो पैदा हुआ है जिस खानदान का है वो उनकी तरफ किसी भी मुनासबत से छोड़ करके कि किसी और की तरफ मनसूब कर लेता अपने आप को इसीलिए इदा का लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह कर दावा करना बस एग्ज़ाम मन दहा इला गई अभी अविंतम इला गैर मवाली हक़ी के एक ग़ुलाम भी अपने जो उसका जो सरदार सईद था आका था उसको छोड़कर किसी और की तरफ अपनी नस्बत कर लेता है अल्लाह अंदाज़ा आप कुरान जो है आ, आ, शरीयत जो है किस कदर मतलब मतलब मामले को दुरुस्त करार देती है यानी नस्बतें ताल्लक़ात कैसे इसमें झूलने आना चाहिए कई मसाइल पैदा होते हैं इसमें कहा कि अविन तमा इला गैर मवाली वाइद क्या है अल्लाह के रसूल ने कहा वम फ़लही लानातुल्लि अलमतब्यालाय्याम क़यामत तक मुसलसल कोई लम्हा कोई मतलब दकीका ऐसा नहीं होगा कोई मिनट ऐसा नहीं होगा जहाँ अल्लाह की लानत उस पर मुन होती है अंदाज़ा लगाइए आप कितनी बड़ी वईद है लेकिन बड़ी तादाद मुसलमान देखिए ख़ानदानी तो पर सही दिखी कोई इतराज़ नहीं लेकिन लेकिन ये कहना कि हम नबी के खानवा देखें इसलिए हम सही थे ये भी गलत है और सईद ऐसी ही रख लेकर नबी से जोड़ देना ये तो और ख़तरनाक चीज़ है ये तो और ख़तरनाक चीज़ है एक हदीस मुबारक है सही बुखारी में और सही उस मतफ़न आय हदीस से साबिन नबी वक्स कहते हैं रजी अल्लाह मेरी कानों ने इस इस हदीस को रसोल्ला से सुना है सल आसम यानी सब यहाँ उर्दू ना या ऐसे अल्फाज हैं और इस हदीस को इमाम बुखारी रहा ने सही बुखारी में किताबुल फ़राइज़ में लाए हैं क्योंकि इसके ज़रिए से मीरास में मसला पैदा होता है कि उसका, उसका उसका उसके घराने का है कि नहीं है करके मनी दहा इला गैर अबी ही किताबल फ़राइज भी इस हरी के इमाम बुखारी लाए हैं इस बाब के तहत र्ल उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी मनि दहा अबन फिल इस्लामी इला गैर अबी एक एक शख्स कुफर की हालत में चलो ठीक है कई जाहिलत के कई उमूर होते हैं उसमें से भी एक मामला हो सकता है लेकिन बहसत मुसलमान होने के इस्लाम उसका दीन है इस्लाम को कबूल करने के बाद किसी अजनबी शख्स की तरफ किसी भी चाहे फजीलत की वजह से किसी भी बाप में आकर के उसने कहा कि वो मेरा बाप है अगर ऐसा कह दिया वह हुआ या मुन्ना हो गा अभी और उसे मालूम है अच्छी तरह से कि ये तो हमारे ख़ानदान या हमारे बाप नहीं है या हमारे दादा नहीं है लेकिन बस मनसूख कर दिया किसी की तरफ अपनी तरफ तो आप आल सलासलम ने फ़रमाया फ़ल जन्नत अलै हराम अकबर फ़ल जन्नत तो हराम सही मुसलिम भी किताब में यह हदीस मौजूद है वो एक मारूफ़ कज़िया है आप लोगों के इलिम है बारहाँ हमने आपके सामने रखा और आपने पढ़ा होगा हमारे कहने की वजह से नहीं आपने काफ़ी मतलब पढ़ा होगा अली बिन अबी तालिब के अहद खिलाफत में रजी अल्लाह हूँ जानते हैं नाम आपकी तरफ बातें मनसूब बहुत बहुत थी आपने कितना कितना मतलब वजाहत की दी लोगों को कि ऐसी बात नहीं ऐसी बात नहीं है इब्राहिम इबन यजीद तयमी र्ला बड़े आलिम दीन हैं उनके वालिद यजीद इब्न शरीक इब्न तारख़ उनका नाम है अ तयमी यानी मौला हूँ इस माने में कि बारह तामीन में से हैं वो वो कहते हैं कि हमने खुतबा देते हुए सुना अली बिन अबी तालिब को रसी ला और आपने लोगों के सामने वजाहत की अबू जुहाइफ़ा भी कहा था लेकिन ये जो हदीस में पेश करने जा रहा हूँ आपको ये हदीस जो है मतलब इसमें मौजूद है सही मुस्लिम में मौजूद है किताबुल हज में सही मुस्लिम किताबुल हज अली ालिबिन नबी तालिब रज़ी अल्ला अपने ताल्लु से साफ किया कि देखो बात ऐसी नहीं है जो लोग मेरे तरफ बातें मनसूब करते हैं मेरे पास तो सिर्फ़ अल्लाह का कुरान है और कुछ अहादिशत जो मेरे पास लिखी हुई है वो है और अल्लाह ने जो फहम अता किया है एक मुसलमान को ज़ता करता है एक आलिम को वो मुझे मेरे पास मौजूद है और कोई चीज़ नहीं मेरे पास वो क्या थी है? सरे दस आपने कुछ पढ़ करके सुनाया कई बातें थी उसमें उसमें से एक बात ये थी बात तो वही जो मैंने कह दी है आपसे आपने भी वो बात कही है लेकिन इसमें वहीद एक अलग अंदाज़ में बयान की गई है अली बिन नबी तालब रज़ी उन्होंने कहा कि रसोल तो ने फ़रमाया मनी दा इला गैरी अबी ही अविन तमा इलागैरी मावाली अब इला इला वाइद क्या है कहा कि फ़ाल ही ला अनकती व नी अजमाइन लाकबल होयामत सरफन वाला आदलन दुनिया भर के ख़जाने भी अल्लाह के यहाँ दे दे तब भी माफ़ी नहीं ऐसे शख्स के लिए हम हम कितनी कितनी मतलब ज़रूरत कर देते हैं देखिए कभी नवाजबालिक इसलिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है अपने आबाव अजदाद की तरफ ही अपनी नस्बत होनी चाहिए शर्फ़ और ऊंचा मकाम फोकियत सिर्फ़ अल्लाह का दीन है इन अकरामक अल्लाह के रसूल के ख़ानदान होने की वजह से ही उसको जन्नत है ऐसा अब कभी नहीं है ऐसा उसके लिए बड़ा मकाम है कभी नहीं है ऐसा ना ये कि अब बकर सबसे अजीम मकाम रखते हैं बल्कि हसन हुसैन के सरदार भी होंगे जन्नत में वो ये शर्फ़ है आपको सिर्फ ईमान की वजह से खानदान की वजह से नहीं तो खुलासा कलाम ये है कि जो भी लोग सईद कहलाते हैं अपने आप को ख़ानदानी तौर तो पर कहलाने में कोई हर्ज नहीं है क्यों एक तो वो मुसलमान है मुसलमान सईद है तारुफी तौर तो पर एक यजा कर लेते हैं कि हम हम सईद हैं इस तरह से शरहाना इनशाला वसात है उसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन उस बुनियाद पर यह लाजिम आना कि हम रसूलुल्लाह के घराने के हैं इसलिए हम सहीद हैं तो यह बदबुदी नादानी होगी यह शरीयत में एक इल्जाम होगा इसलिए कि शरीयत से साबित नहीं है रसूलुल्लाह के घराने पर कभी भी सहीद नहीं कहा जाता खानदानी तौर तो पर लेकिन वो सईद हैं अपने आप में खानदानी तौर तो पर और कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के घराने के हैं तो फिर यह भी साबित करना पड़ेगा कि वह रसुल्ला के घराने के हैं कि नहीं है अभी एक वीडियो मेरे पास अभी भी मौजूद है मेरे 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 मोबाइल में अभी भी मौजूद है एक दो मिनट का चाहे तो मैं सुना भी देता हूँ मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है इन हो सकता है जब हम एडिट करते हैं तब हो सकता है हम उसको सुना भी दें कोई को ज़रूरी भी नहीं इन श्ला देखते मेरे हैं मेरे मोबाइल में है लेकिन वो जो भी लोग सुन रहे हैं वो मुझसे कभी भी ले ले सकते हैं मालूम उसमें वो कह रहे हैं कि ख्वाजा मोनुलद्दीन चिश्ती जो हैं अजमेरी अजमेर में आके रह गए थे वो तो कहा कि हम उनसे से उनका नसबनामा सुनाएंगे और कहा कि जो है एक दो तीन नाम तो अजमी थे उसके बाद सीधा जाके जुड़ गया वहाँ से अस्करी नकी तकी मूसा काजिम जाफर सदक मोहम्मद अलबाकर और फिर वहाँ से होते हुए जाकर के अली तक बात ये है कि क्या वो कौन से शर्फ की बात है वो किस मीज़ा में पेश किया जा रहा है खसूसियत क्या है एक आलिम की खिदमत एक एक मुबलिक की खिदमत काफ़ी है उसके शरफ़ के लिए उसके मुसलमान हैं वो मजीद वो रसोल्ला के खाना से जुड़ कर क्या बताना चाह रहे हैं अगर वो रसूल्ला के घरानी के नहीं हैं तो क्या बात लाजिम आएगी वो रसूलुल्लाह के घराने के होने की वजह से उनके लिए शर्फ़ नहीं है उनके मुसलमान होने की वजह से शर्फ है ये आज अलमिया है हमारे हिंद पाक में कि बड़ी तादाद में मुसलमान जो लोग कब्रों से जुड़े हुए हैं मजारों से जुड़े हुए हैं और जो ही है इन्हीं चीज़ों से मुतल है इन्हीं के पास ये चीज़ें रह गई हैं सईद नाम की मन बता अभी मिसर अबी ना मुसैम की हदीस है काफ़ी तवील हदीस का एक किताब है ये तो ये एक तरह से गलत फिलहिया हैं आखिरी बात मेरे दर्ज के मुतल एक बहुत ही दखीक बात है समझने की कोशिश करें हम जानते हैं कि अल्लाह सुबहान रिजाल को जो क़वत अता फरमाई है वली रिजाल आल नदा राजा मर्दों को अल्लाह सुबहान तौल ने ख़ातन पर एक दर्जा अता किया है अल्लाह सुबहाना तौ की जानब से हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है हमारा जाति फ़ल नहीं है अल्लाह ने दिया है जैसे जानवरों को अल्लाह ने इंसानों को जानवरों पर मुमताज़ रखा है वैसे ही खवतिन की अपनी बहुत सारी खसाइस के बावजूद मर्दों को उन पर अल्लाह ने एक दर्जा बढ़ा रखा है अल्लाह सुबहाना वाली की जानब से है अब मेरे मौजूद से मुतल क्या बात है वो ज़रा देखिए आप कि अल्लाह व वाली ने रुजूलियत रजुल को जो चीज़ें अल्लाह ने अता की हैं फ़ोकियत के तौर पर उसमें से एक चीज़ यह भी है कि जब शादी होती है एक मियाँ मियाँ बीवी जब बन जाते हैं आपस में उनका जब रिश्ता जुड़ जाता है उनसे जो औलाद होती है उसकी नस्बत किस जानब होती है बाप की तरफ माँ की तरफ नहीं होती है अब यह जो अब्दुल्ला इबन उम मखतूम या फिर इसी तरह से जो है अब्दुल्ला बिन मसूद उम्म आब्दुल रबी ही इस तरह की जो नस्बतें हमें मिलती हैं वो इसकी कुछ वजूहत हैं वो माँ की तरफ मंसूब होने वाली बात नहीं है उसकी कुछ वजूहत हैं लेकिन असला असल के अतबार से नस्बत की, की जानब होनी चाहिए बाप, बाप की जानब होनी चाहिए अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए झुकूर की अगर बात करते हैं तो आप ही तो कोई औलाद नहीं थी जो बड़े हुए हों और शादी हुई हों उनसे औलाद हुई हों ऐसा तो नहीं है ना आपकी बेटियां ही रही हैं जो बड़ी हुई हैं आपकी बेटियों से ही औलाद हुई हैं तो आगे जब नस्बत चलती है तो वो नस्बत रसूलुल्लाह से जाके क्यों जुड़ेगी आगे अली से जुड़ेगी और अली से अबू तालिब और यूं जाएगी वो रसूलुल्लाह की तरफ नहीं आएगी ना लेकिन यहाँ सोचने की एक बात क्या है अल्लाह के रसूल अली सलाम के घराने की यानी फातिमा से हसन हुसैन की जो औलाद आगे बढ़ी है उनकी नस्बत रसूलुल्लाह के पास ही जाके जुड़ेगी तोजह दें इस तरफ ये ये रसूलुल्लाह की खसूसियत है ये महत्ज हो गया आपको आप अली सलाम जैसे मान लीजिए कि हम अपनी वाली तरफ मनसूख होती है की तरफ नहीं हमारे जो बच्चे होंगे हमारी जो औलाद होगी वो भी हमसे और हमारे दादा हमारे वालिद हमारे दादा ऐसे जुड़ेंगे ना अगर मैंने हमारी वालिदा की तरफ तो नहीं जाएंगे लेकिन रसूलुल्लाह का मामला ऐसा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खसाइश में से है कि आप अली अलीसम को अल्लाह ने तुकूर की जो बात है कासिम हो ताहिर हो ताहिर अब्दुल्ला दोनों के लिए एक नाम भी बताया जाता है बाद में इब्राहिम वाली बात हो ये शिक्र सिनी हमें मफात पा गई ये रही आपकी बेटियाँ आपकी बेटियों से जो औलाद हुई हैं उनसे जो औलाद आगे बढ़ती है तो उस से जो जाके आपसे नस्बत जो जुड़ती है वो वो ये ये चीज़ है समझ रहे हैं आप रसोल्ला से आके जुड़ेगी वो खसूसियत है आपकी तो दो बातें मुझे आपको रखनी हैं दो बातें मुझे आपको बतलानी इस ज़मीन में पहली बात ये है कि आप आलतम की खसूसी खसूसियात में से एक बात ये भी है कि आप अलसलम की जो बेटी हैं उनकी जो औलाद है वो भी सब के सब रसोल्ला की ज़रूरत कहलाएँगे वो रसोल्ला से मनसूब होंगे वो हसन हुसैन से होती हुई अली की ज़रूरीत नहीं कहलाएँगे वो रसोल्ला की ही ज़ूरियत कहलाएंगे ये आपके खसा इसमें से ये नुकत हुआ अच्छी तरह नुकता वाजी हुआ ये इस तल्ल से अहल इनका इजमा है मुख्तलफी मसला नहीं है यानी अजमा अजम वाली बात इसमें दो राय नहीं है और इस जिम्मे में कई दलाइल भी हैं अल्लाह के बशर हैं और आप सईदुल बशर हैं तो आपके जो खसाइस हैं उसमें से ये भी खसूसियत कि आपकी तरफ मनसूब होना बहुत बड़े शर्फ की बात है अगर आपके आपके आपका खूनी रिशा है तो किसी से इसके दलाइल जो हैं उन दलाइल में से एक दलील है जो सही बुखारी की हदीस है सही बुखारी के किताबुल किताबुलमनकब में किताबुल अनसार आगे आएगी हम जो पढ़ रहे हैं फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रजी अनहा उनसे मुतल ये जो हदीस हमें मिलती है मिसवर इब्न मकरामा रजी अनहु वो दो हिजरी में पैदा हुए थे मक्का में जब अल्लाह केसर का इंतकाल हुआ तो आठ साल की उम्र थी उनकी और इंतकाल भी जल्दी ही हुआ उनका मक्के ही में बासठ हिजरी के आसपास में तो वो इब्न अब्न मकरामा अनु कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमत बिज़ातमिन्नी इन्फातिमत बिज आतमी ऐसे अल्फाज़ या फ़ातिमत बिज़ आतमी फमन अब, अब गवानी जो उनको गुस्सा दिला गोया कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया सही बुखारी की हदीस है इस हदीस के सिलसिले में कई अहल इन ने यह बात लिखी है वफा वफा जो किताब है अलामा समहोदी रहा की दसवीं सदी हिजरी के आलमी दिन हैं वो वो कहते हैं कि व मालूम अन्नादहा औलादहान ओलाद फ़ातिमा व मालूम अन्नादहान फ़ातिमा की जो औलाद है वो फ़ातिमा का भिजआ है फ़ातिमा का हिस्सा हैं वो इस एतबार से फ़ातिमा रसोल्ला का हिस्सा हैं तो एक वास्ते के तौर पर फ़ातिमा की जो औलाद है वह रसोल्ला का बिजा है मतवाज़ हो गया आपको मतवाजे दरवाजे हैं तो ये एक जानिब से शर्फ वाली बात है कहा कि गाय तो शरफ लिए औलादिया फातिमा के औलाद के लिए बहुत अजीम शर्फ की बात है कि वो वह रसोल्ला वसलम की जरूरीत कहलाएंगे क्योंकि बिज़तु मिन ब़ातुमिनी कहाला क्या सुने फ़ातिमा को और फातिमा से जो औलाद होगी वो फ़ातिमा की बिजा है फ़ातिमा का हिस्सा है और फातिमा उनका हिस्सा है एक दलील ठीक है एक हदीस जो हमने अभी आप आपके सामने पढ़कर के सुनाए थे जो अबू मरवी है नुफा अब हारिस उसके रावी हैं अबू बकर वह कहते हैं कि आप अलीबल्ह की, की जो गुजर चुकी है कि इन हादा आप अलीसम ने क्या फरमाया कहा जबकि ये बात अच्छी तरह वाजी है कि वो रसूलुल्लाह के फर्जंद नहीं हैं वो फ़ातिमा के बेटे हैं अली के ज़रिए से है कि नहीं लेकिन इन नब कहा अल्लाह के रसूल ने कि मेरा बेटा है उनकी नस्बत अल्लाह के रसूल ने अपनी जानिब की हाफ़िज़ इनीम रहा कहते हैं कि सा हो इबन अल्लाह के रसो उनको इब्न कहा जबकि वो फ़ातिमा के बेटे हैं इब्न इब्नति ही हैं वो लेकिन अल्लाह के ले रसूल ने उनको अपने लिए इब्न कहा हाफ़िज़ इबल्क़ीम रमा के जला अफहम जो किताब है बहुत बहुत मालूमी किताब उसे सिर्फ एक गोशी में रसूल्ला के दरोद से मुतिक मसाइल बोल के आप उस एक मसले के लिए मत रुजू कीजिए खजाना है अंबार है हमारे कदीम उलमा का यही अंदाज है हम कभी कभार वो व शरीफ के मसाइल बोल करके उसको शरीफ के मसाइल के लिए ही रुजू करते हैं एक तालब इन की कभी नादानी हो जाती है एक नज़र इसीलिए हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं हमारे जो बड़े उलमा हैं वो इसीलिए कहते हैं कि एक नज़र फहरिस पर डाल लो क्योंकि आपको पता नहीं किन मसाइल के लिए वहाँ रुजू करना पड़ेगा असल मरकजीन पर नज़र डाल करके एक उस मसले के लिए जाते हैं जो कभी ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से बेशतर इम से महरूम हो जाते हैं फिर इस नज़र डालने से आपको दसियों मसाइल की तरफ रुजू करना पड़ेगा आपको बहरहाल हाफिज़ीमल्ला ने आप आसमाम की जरूरीत को बतलाते हुए कहा कि आ, कहा कि अहिल का इस बात पर इजमा है कि फ़ी दुखो फ़ाति मता मिन्रियत नबी वसलम अहिल का इस बात पर इजमा है इजमा समझे नाम पसंदीदा लफ्स एक शराय लफ्स एक उसूल उसूल का एक एक बहुत बड़ा असल है ये असूल में से मुतफ़ अल दल में से ये कहा कि अहिल इनका इस बात पर इजमा है कि आप अलीः सलाम की फातिमा रजी के औलाद रसूल्ला की जरूरीत में शुमार होगी ये शर्फ़ की बात है उनके लिए एक एक बाप के लिए उसके औलाद पर जितने मसाइल मुंतबिक होते हैं सब वो फातिमा के औलाद पर मुंतबिक होंगे रसूलुल्लाह से जुड़ करके बता दियोगे आपको आप कुछ सवाल में कीजिए ये एक शर्फ की बात है उनके लिए इसीलिए इब्नकीम रला ने कहा कि पहले दलाइल पेश किया आपने एक तो वो दलील हदीस अबी बकरा इन अब निहाद सदन वाली हदीस में हमने पढ़ चुका है इस हदीस को

टाल हो ना अना तो अब ना अब ना वनाकुम तो अल्लाह के रसूल ने फातिमा हसन हुसन को लेके गए कि कहा कि ये मेरे बच्चे सिर्फ फ़ातिमा को नहीं हसन हुसैन को भी आपने हसन हुसैन को भी इब्न कहा आपने ये हदीस से मुबारक भी इस बात पर दलालत करती है ये रसूल्ला के खसा इसमें से इसको तोज्जा दें आप हाँ। खसाइश में से इसको आम ना करें इस मसले को ख़साइश में से रसोल्ला के सल्लम इसीलिए इमाम इब्न इबन रहल्ला ने कहा कि बड़े बड़े रामा बड़े बड़े उमारा कुछ अहले इल्म भी जो है जो जो उनके जो मवाली होते हैं जो, 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 जो जो लौंडियाँ जो होती हैं उनसे मतलब तसर्री की उनसे मतलब उनसे मतलब अपना रिश्ता जोड़ा उनसे ताकि उनसे जो हमारी औलाद होगी तो उनकी तरफ किसी न किसी तरह से उनसे एक रिश्ता हो जाए बस रसोल्ला के खानवादे के जो मवाली होते हैं उनसे अपना रिश्ता जोड़ा और उस पर जो है फख्र किया कि हमारी नस्बतें यहाँ हो रही हैं उमर बिन खत्ताब खताब रजील् के बारे में उनकी सीरत पढ़ के देखो आप आपने शादी की किसे उमसूम से अली बिन अबी तालिब की बेटी से जो फातिमा से हुई थी वो आप जरा सीरत पढ़ के देखिए उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह की जो मकासद पेश नज़र थे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह को उनमें से एक मकसद ये भी था कि उम्मे उमसुम छोटी उम्र की लड़की उनसे शादी करने से छोटी उम्र की लड़की से आप उस पर ताजु मत कीजिए जब उमर राजी हैं उम्मे कल्सम राजी हैं और अली बिन अभी तालिब राज़ी थे पूरा पूरा मुआर राज़ी है तो वो मुआशरती चीज़ है वो तो उम्मी कुलसुम से जब शादी की तो जो मकासद पेश नजर थे उमर के रज़ी अल्लाह रजील्ला उसमें से एक मकसद ये भी था हालांकि जैद पैदा हुए थे उनसे एक मकसद ये भी था कि जो है एक शर्फ मुझे जुड़ जाए रसूल्ला के घराने से सलोल्लाम बहुत राजी हो गया आपको इसलिए कि फ़ला अनसाबाबीना हूँ ख्यामत के दिन कोई नसब काम नहीं आएगा और उसमें अर इलम ने तफसीत में लिखी है कि रसूल्ला का नसब ऐसा नहीं रहेगा उसमें से आपके नसब कोई शर्फ़ रहेगा आलम कहने का मकसद ये था मेरा कि यह एक शर्फ़ की बातें खसाइस में से है इसीलिए एक आलमी दीन है मेरे अंदाज से मैं समझता हूँ दसवीं के आसपास के हैं मैं बेज़ नहीं जान सका उनके बारे में मोहम्मद शिरबीनी अलतीब के नाम से मरूफ़ हैं उनकी किताब अल शामिला में मौजूद है उनकी किताब अल तो शामिला में मौजूद है तो शामिला में मौजूद है, तो है और उसमें जो है वो किताब का अनवान है मुगनी महताज इला मारफत अलफाज़िल मिनज जो इनकी जो किताब है हमारे इमाम हसन इमाम नबी राम की अलमिन फिर शरह सही सई मुस्मजाज तो उसमें के जो ग़रीबलफाज हैं उसके शरह पर वो किताब है वो काफ़ी मुझे आता है उसमें भी किताबुल अवसाया के शरह करते हुए कहा कि रसोल्ला के खसाइस में से हैं वो इस मौजू से मुतल एक अच्छी किताब है बल्कि आप देखो जो अलमोसोलफ़िया है ना कविया पैंतालीस जल्द हमारे पास उसकी दूसरी जिल्द उठा के देखो आप मैं समझता हूँ गालीबन तीन सौ चौसाठ सफ़ा नंबर होगा बेज़ देख लीजिए रसूलुल्लाह की खसाइस बयान करते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें लिखा है कि वमिन खसा ए सी ही उमिन ख़सा ए सी ही सलीलम दोनासी जमियान रसूल के अलावा के अलावा किसी के लिए खसूसियत नहीं सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए खसूसियत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कि आपकी जो बेटी है उनसे होने वाले जो औलाद है उनकी नस्बत भी रसूलुल्लाह से होगी एक शर्फ़ की बात है आपके लिए आपके खसा में से और ये दौरे हाजिर का है और अहम्ना का है वो और मुतफ और जो है मतलब इसके उसके मौज़म मतलब उसके चीज़ों पर जो है जो है मतलब एक तरह से इतफ़ाक़ है उसकी बड़े पैमाने पर जज्वी तौर तो पर उससे इख्तलाफ की गुंजाइश मुकम्मल है अंदाज़ा हो गया आपको इन सब चीज़ों से हवाले जात की अगर हम बात करते हैं तो इस सालों से बहुत सारी बातें हैं समी हैतमी राम है समी, समी नहीं इबन हजर हैतमी एक अलग है नौ सौ बहत्तर हजर सन्न वफात है उनका अलफा अल हदीफिया देखे उनका आप आ, उनकी सीरत भी आल आ, आलाम जो जी काली की उसमें देख सकते हैं तो उन्होंने भी इस तल्लु से लिखा कि अल्लाह के रसल तो की खसूसियात में से एक मसला वाजी हो गया दूसरा मसला उससे भी ज्यादा तखीखा वो ये है कि आप अली तो सलाम की जो बेटे हैं कोई भी तो बड़े नहीं हुए ना मसला हल हो गया वो आपकी जो बेटियां हैं चाहे वो जैनब हों चाहे वो रुक़ा हों चाहे वो उम्मिकसूम हो, चाहे फ़ातिमा हो, रजी अल्ला हो अनहन्ना अजमाइन गौरतलब बात क्या है इससे भी ज़्यादा तखीक मसला जो, जो अभी जो मसला बयान करने जा रहा हूँ मैं ज़रा तोजह की ज़रूरत है बात ये है कि आप आ सलातम आप आली सलात वाम कि जो ज़ुकूर जो औलाद ज़कूर वो तो बचपन ही में इंतकाल हो गया उनका तो मसला एक हो गया ख़त्म अभी उस पर बहस नहीं करेंगे रही आपकी बेटियाँ चार चारों बड़ी हुई चारों की शादियाँ हुई तो ये जो चारों जो बेटियाँ हैं बहुत दकीक मसला है मैं बाबा तोजा दे रहा हूँ आपको तोजा दिला रहा हूँ ये जो चार बेटियाँ जो आपकी हैं ये भी एक बहुत अहम मसला है कि चारों बेटियों में से चारों के जो औलाद हैं उनमें से भी जो जकूर जो आगे बढ़े उन्हीं की नस्बत रसूल की जानीब होगी बेटियों की तरफ से नहीं समझाता हूं मैं आपको कैसे जिस तरह से मान लीजिए कि आप अली अलीस्म की चार बेटियां हैं उनमें से सिर्फ फातिमा ही थी जिनसे औलाद आगे बढ़ी लड़के की वजह से हसन हुसैन से आगे बढ़ी जबकि आपकी जो दीगर बे, बेटियां जो तीन बेटियां हैं उनसे लड़का अगर हम बात करते हैं तो उनसे कोई औलाद आगे नहीं बढ़ी मामा थी बेटी बेटों की वजह से नस्ल आगे नहीं बढ़ी उनकी बात वाजी हो रही है आपको इसका ताल्लुक सीरत से है तारीख से आप अगर आप देखना चाहें तो उमुल फ़ातिमा रजी अल्लाह उमुल मुबीन कह रहा हूँ फ़ातिमा रजी लन इनकी बेटी उम्म कुलसुम भी थी उम्म कुलसुम जो थी ना उनसे जो नस्ल बढ़ी वैसे ही आ, दीगर बेटियों की बेटियों से नस्ल बढ़ी आप अली अलीसम की जो बेटियां हैं उनसे जो बेटे जो ज़ुकूर आगे बढ़े ना उन्हीं की तरफ़ है नहीं तबका उलिया झुकूर उन्हीं की बातें हों तो रसूलुल्लाह से मनसूब होंगे बेटियों की औलाद की वजह से नहीं हसन हुसैन होंगे तो उनकी औलाद जो होती है ना सिर्फ वही रसूलुल्लाह से जुड़ेंगे उम्म कुलसुम उनकी फ़र्जंदान हो तो वो नहीं जुड़ेंगे वो बेटी की वजह से आगे बढ़ रहे हैं ये एक चीज़ तो ये जब रसूलुल्लाह से नस्बत की जब बात आती है तो इन सब चीज़ों को देखना जरूरी है अब खुलासा है कलाम क्या है खुलासा इस सालों से हाफिस सूती राम की जो अहावी जो फाविस मुतालिक में देख लीजिए आप दूसरी चीज सफा नंबर याद नहीं है मुझे फहरिस देख लीजिए आपको मसला मिल जाएगा अच्छा खुला कलाम क्या है सबसे पहली बात अ का माना मफू मालूम होना चाहिए अ कहते हैं अवसाफ़ को अकल में माल में दफ में नफ़ में क़त में और जो है हर तरह से जो फोकें जो होती है एक इंसान को वो अवसाफ़ किसी में जमा हो जाए तो वो सईद है एक मुतलक तौर पर कोई भी शख्स लेकिन ये सईद का तल्लु अमूमी तौर तो पर जब हम इस्लामी नु नज़र से देखते हैं तो फिर इस ताल्लुक से वो उसका ताल्लुक खालिस ईमान से होता है और हम समझते हैं ये जानना चाहिए कि सबसे पहले तो अल्लाह सईद है उस ताल्लुक से तफसील कभी और बतलाएँगे इन शसूल सईदलबर हैं सली वसम सहबा के लिए सईद कहा गया है हर मुसलमान सईद है ला तकूर मुनाफ़िक सईद तो इसका मफह क्या मफोम मुखालब क्या होगा सब एक काफ़िर और मुसलमान के काफ़िर और मुनाफिक के अलावा सब सही थे कल के दिन मुनाफिक था कल के दिन वो, वो काफ़िर था आज मुसलमान बन गया तो आज वो सईद है तो सईद एक मुसलमान है जो हमज़ा के लिए सैदतुलनिसाइल आलमिन फ़ातिमा के लिए सईदा शबाब अहल जन्ना सईदा काहुल अहल जन्ना उस अवस की वजह से समाजी और ख़ानदानी माशरती तौर तो पर नहीं वो ईमान की बुनियाद पर मतवाज़े हो गया आपको हाँ अब हम मुआरे में जिनको देखते हैं कि हम सईद खानदान के हैं तो उन पर ज़रूरी है कि दो में से एक बात हो वो ये समझ करके अपने आप को सईद बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं और एक तारुफी तौर पर अपने लिए एक सईद के लफ्ज़ अपने इस्तेमाल किया है तो वो कोई हर्ज नहीं लेकिन उसको सईद कर के हम ये समझते हैं कि नहीं नहीं हम रसोल्ला के घराने के हैं इसलिए हम सईद हैं तो दो बातों का ख्याल करना पड़ेगा पहली बात रसोल्ला के घराने की हों तब भी उस वजह से सईद तो एक गैर शरी बात हो जाएगी इससे तो आपको गुरेज करना पड़ेगा दूसरी चीज रसूलुल्लाह के घराने की है ही तो फिर वो नसर नामा तो भी आपको साबित करना पड़ेगा ये चीज और फिर आखिर की जो चीज थी वो एक जरा सी इल्मी बहस है वो कि रसोल्ला वसलम की खसाइस में से है कि नस्बत बाप की तरफ होती है माँ की तरफ नहीं लेकिन रसूलुल्लाह के खसाइस में से है कि फ़ातिमा से होते हुए रसोल्ला से जुड़ेगी वो चीज़ ऐसा नहीं है कि हसन हुसैन का मसला अली से और अबू तालिब से जुड़ेगा नसब के एतबार होगा ही लेकिन शरफ़ के तौर पर वो रसूल्ला की ही तरफ जुड़ेगी वो नस्बत और आपके घर वालों की नस्बत भी रसोल्ला से जुड़ेगी और इसका तल्लुक सिर्फ़ आपकी बेटियों से जो बेटे हुए हैं उनसे और वो सिर्फ फातिमा से हुए हैं दीगर बेटियों से नहीं बात वजह हो गया आपको जी अब इस मौजू से मुतालिक कोई सवाल हो तो कीजिए इनशाला हम अपने मौजू को करके खत्म कर देते हैं बेजन लल्ला ती जी, जाहिर बोली। तो जी। नहीं है। नहीं है। खान हाँ इनका सवाल ये है कि जो बनो हाशिम हैं यानी बनू हाशिम में से जितने भी लोग मुसलमान होंगे वो अहले बैत कहलाएंगे वो सईद भी कहलाएंगे क्या वो मुसलमान हैं इसलिए सईद कहलाएंगे वो अहले बैत में से हैं इसलिए सईद कहलाएंगे ऐसा नहीं है इसके लिए ला दलील आ रही कोई दलील नहीं शरीयत में बताजे हो गया आपको बारक अल्लाफिक फिकुम कोई और सवाल फिक जी दो बेटियों ये है, जी जी तो वो तो में से नहीं थे, जी यानी स्स्मान इबनान रज़ी जो आप की दो बेटियों से जो शादी की उन्होंने उस बुनियाद पर वह अहल बैत में से होंगे क्या नहीं होंगे उस बुनियाद पर अहिल में से नहीं होंगे अहल बैत का तल्लु उन से है जो बनो हाशिम वो बनो आब्द शम्स में से हैं उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह हो लेकिन बनो हाशिम और बनु आब्दुलमतब ने बनो अलमतलिब बनो अलमतलब बनो आब्दुलमतलबनी क्योंकि बात रिकॉर्ड हो रही है इसलिए मैं दो दो मतलब दोहरा रहा हूँ आप लोगों के लिए नहीं तो अल मुत्तलिब और बनो हाशिम में से क़यामत तक जो भी मुसलमान होंगे वो अहले बैत में से होंगे आप अली आल सलासलम की कुछ बीवियाँ ऐसी हैं जो ना बनो मुत्तलिब से हैं ना बनो हाशिम से हैं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोजियत में आने की वजह से वो अहले बैत में से हुई जैसे उम्मुल उम्रम आयशा जैसे उम्मुल मुमिन हफ्सा जैसे उम्मुल उम्रम जवेरिया जैसे उम्मुल उम्रम सफ़िया समझ रहे हैं आप जी उम हबीबा रजी रजीहा बढ़ूँ आपद शम्स में से है वो अहले बैत में से नहीं है कुरैशी जरूर है अकरब अल रसूल हैं न लेकिन वो आपके जोजियत में आने की वजह से वो अलबत्ता यानी हैं कोई आप अजवाज मुतहरात में से कोई भी नहीं है जो पहले हिसे अहल बैत में से हो नहीं है जी चलिए चलिए और कोई बात तो बेटियां तो अहले बैत में नहीं है। आपकी बेटियां यकीनन अहले बैत में से हैं अली बिन अबी तालिब अहले बैत में से हैं वो फ़ातिमा के शौहर होने की वजह से नहीं रसी हाँ जी असल के अहतबार से अहले बैत में से इसीलिए <Sufen ởथ> कहा जाता है कुछ असल के एतबार से बैत में से ही कुछ तबान अहले बैत में से ही जो आपकी अजवाज मुतहरात हैं वो तबान अहले बैत में से हैं बीवी होने की वजह से अहले बैत में से ऐसा है जी हसन रजी की वो भी नहीं हसन रजी रजील या फिर देखिए जो भी उनके खान वादे में से होते हैं हसन रजी अल्लाह की जो बीवी हैं उनकी नस्बत उनके बाप की तरफ होगी जो उनके बाप हैं जो हसन रजी के ससुर हैं जी ठीक है ख़त्म करें इन शाँ देखिए ये एक रिकॉर्डिंग हो रही है दीनी सवालत के लिए कोई कोई आ, बाप बंदा हुआ नहीं है कि अभी रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी तो कोई सवाल नहीं अफाम तफ़ीम के लिए कभी भी पूछ सकते हैं बात रिकॉर्ड हो रही है जो हमारे मुशाहिदीन हैं कभी भी जो है मतलब इन श्ला जहाँ से वीडियो होगा वहीं नीचे सवाल डाल सकते हैं या अगर हमारा नंबर मौजूद है तो वो सवाल कर सकते हैं बेदिन ला तल्ला ताली से दुआ है कि अल्लाह ती हम जिस मक़द के लिए यहाँ जमा हुए हैं अल्लाह ताली इस मजलिस को नफ़ाब्श्श बनाए अल्लाह ताली हमारे इस हमारे वालदान हमारे माविन हमारी ख़ास कर अहलिया की और हमारे लिए अल्लाह ताला इसको ज़खीर आखिरत बनाएँ आमीन सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक